देखता हूँ ये कौन सी मछली है। झींगा छोटी सी, छोटा प्रॉन। हाँ। और ये सुखा रखा है। हाँ? सुखाया हुआ। सुखा है सर। सुखा मछली। हो, ये प्रॉन की। हाँ। ये भी सुखाया हुआ प्रॉन। सगला सुखा पाई जा सकते। ये कौन सी मछली है? बॉम्बे। हाँ। तुम जो घर ही खाता था काय? मेरे को हिंदी आती है आंटी। हाँ? हिंदी आती है मेरे को, बस महाराष्ट्री नहीं आती। गुड मॉर्निंग ऑडियंस, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बढ़िया सी। अभी टाइम हो रहा है 6:30, पहले मैं उठ गया था 5 बजे के आसपास, फिर देखा तो अंधेरा था, तो फिर मैं थोड़ा, मैंने कहा चलो और सोते हैं। सनराइज़ हो चुका है इस तरफ से, ये ईस्ट साइड है, मैं इस समय वेस्ट कोस्ट साइड पे हूँ। एंड जी ये हमारा गेस्ट हाउस, इसका नाम भी है श्री स्वामी कृपा गेस्ट हाउस फार्म हाउस। एंड दिस इज काशिद बीच। दे गॉट 10 रूम्स, 10 3 नीचे की तरफ और 5 ऊपर की तरफ, 5 नीचे की तरफ। तो आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और एम्पल पार्किंग स्पेस है, अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं। यू कैन रियली, दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। लास्ट ईयर क्योंकि कोविड था तो दे चार्ज जस्ट 1000 रुपीज़ पर नाइट फॉर द रूम, एंड 2 बंदे और थे तो शायद हमने 500 रुपये और दिए थे 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस के, एक में अकोमोडेट कर लिया था। बट इस साल इन्होंने प्राइस काफ़ी बढ़ा लिया, इट इज़ नाउ 2000 रुपीज़ ऑन सैटरडे, फ्राइडे सैटरडेज, 1500 ऑन संडे, एंड 1000 रुपीज़ ऑन दी वर्किंग डे। लेट्स गो टू द बीच। और ये है रियल मज़ेदार जगह, तो आई नो थोड़ा गंदा सा है, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल टाइप का सा यूज़ तो हो रहा है, बट उतनी साफ़ सफाई नहीं है। बट स्टिल जब जितने बहुत सारे बीचेस पे गया हूँ ना मैं, उनमें से तो ये काफ़ी साफ़ है, देयर इज़ नो इशू। और अभी तो रात को भी काफ़ी लेट तक लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो फ़ोन वगैरह मैंने रूम में ही छोड़ दिया था, तो मैं और विकास वॉक करते रहे काफ़ी लेट नाइट तक, अंधेरा था। वट एवर, सनराइज़ हो गया है, थोड़ा वॉक करते हैं। ओहो, सनराइज जस्ट हो रहा है, अभी 7:30 हुए हैं और सनराइज मतलब हो गया था, पहले ही था, बट अब यस दिखने लगा है। और इधर कहीं पीछे से ये पानी है, ऐसे घूम फिर के वापस जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली ज़मीन देखो यहाँ पे कैसी ऐसी है, बट अगर मैं थोड़ी देर पैर रखता हूँ ना तो पैर ऐसे नीचे धस जाता है, थोड़ी देर अगर यहाँ पर पुश करके रखता हूँ तो, वैसे हार्ड है। या मज़ेदार, बढ़िया है यार। एक्चुअल में ना सनराइज और सनसेट वाले मोमेंट ही बेस्ट होते हैं, उसके बीच में हम करते मैनेज ही हैं। ये मैंने एक बार लाइन चिपकाई भी थी कहीं पे बहुत पहले के, इन बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज़ द बेस्ट मोमेंट टू हैव, इन बिटवीन बोथ वी जस्ट मैनेज। एक्चुअल में ऐसे ही है, भी इतना सीनिक है यहाँ से। यहाँ पे लास्ट ईयर आया था तो मैं यहाँ पे तब कुछ काम नहीं चल रहा था, बट अभी यहाँ पे पता नहीं कुछ ये पत्थर वगैरह तोड़ के कुछ और ज़्यादा क्या आगे की तरफ इसको डेवलप कर रहे हैं ऑल्दो। बट ये वाला रेस्ट ऑफ द पार्ट, अभी ये मून है, रात को इस तरफ था, अभी इधर आगे मून है ये। अब क्या बढ़िया, मतलब बादल बादल थे और आधे घंटे में सब साफ हो गया। रात को बारिश भी थोड़ा ब्यूटीफुल सीनिक है। और इधर की तरफ यहाँ पे सन राइज हो रहा है, और उधर की तरफ वो पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ सी, और वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पानी इतनी तेज़ आ रहा है कि उसके ऊपर आपको
थोड़ी सी पानी की वो ओस सी जो बन जाती है, धुंध टाइप की सी, वो दिख रही होगी आपको। टेम्परेचर यहाँ पे भी रात को काफ़ी प्लेजेंट था, सिर्फ फैन चलाने से ही काम चल गया था रात को। और टेम्परेचर मस्ट भी अराउंड 25 से तो नीचे ही गया था, लेस देन 20, 19-20 पे तो ठंडा हो जाता काफ़ी, 17 पे, बट 20-25 के आसपास ही रहा था टेम्परेचर, जो कि प्लेजेंट था। तो चलते हैं और अपने सिमा साहब को उठाते हैं, क्या सनराइज मिस कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, आलस फैला रहे हैं। लेट्स गो। तो हमारे चाय की पहली सिप लेते हुए, वो बीच पे अलग अलग चीज़ें सुनी होंगी, एट बीच ये लिया वो लिया, चाय का तो मज़ा ही अलग है, इसलिए हमने 2x4 मंगवाई है। Having tea larger in life. ये चाय को तो कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है, नहीं तो बहुत बढ़िया चीज है। कॉफी लवर कभी चाय पी के देखना। आत्मा तृप्त हो जाती है चाय पी के। बढ़िया चाय और ये व्यू। वीडियो बनना शुरू हो गया, दिखे। हाँ, फोटो के मोड पे कर दे। अब क्योंकि हम एकदम सूफी भी रहे, हाँ, सिर्फ अच्छा खाया, अच्छा पिया, चाय पानी, चीयर्स नहीं किया हमने कल रात। अब जस्ट निकलने से पहले एक फाइनल बाय। ये हमें पता चला है कि यहाँ से जेटी बनेगी, यहाँ से, और यहाँ से फिर वो जेटी पॉइंट मुंबई से इधर की तरफ डायरेक्ट जेटी, जैसे अलीबाग आती है ना वैसे यहाँ पे भी वेडिंग फ़ोटो शूट भी हो रहा है। बस बड़ी मेहनत है इसमें, तो इतनी पेशेंस नेक्स्ट लेवल है। लेट्स गो नाउ। धूप हो गई है बहुत तेज़, मुंबई की तरफ रुख किया जाए, नवी मुंबई प्रिसाइजली। सो फाइनली दिस इज मुंबई फेमस वड़ा पाव। अब इसके अंदर हरी मिर्ची यहाँ की स्पेशलिटी है, हरी मिर्ची के साथ खाया जाता है। तीखी होगी है, ये है कौन सा रे? ये भाई सिंपल, हाँ 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 हाँ, मजा आ गया, एक नंबर। दिस वड़ा पाव वाज रियली वाव। लोकेशन भी अच्छी है, ये एकदम एक अलीबाग टाउन है। बस यहाँ पे होंडा का कारवार का शोरूम है, यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो काशी वगैरह के लिए चले जाते हैं। दिस इज़ मेन अलीबाग, बस यहीं पे ये पड़ता है। अभी इसको महाराष्ट्र में कैसे रखते होंगे, चिमने आमची। सामने एक रेस्टोरेंट है होटल सुरुचि, बस उसी के बगल में है ये। दिस वॉज अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेस, लास्ट ईयर भी खा के गया था मैं वड़ा पाव, मज़ा आ गया उसके अंदर। आलू की सब्ज़ी वो स्पाइसी थी, उसका वड़ा बनाया हुआ था पाव, और उसके अंदर थोड़ी सी वो सेव और चटनी, यम। चाय आएगी फिर चाय पीते हैं।